वेलकम सक्सेस निद्रा। और जो आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर 16 रहने वाला है और इसमें हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। एंड अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर हमको फॉलो कर सकते हैं। हर जगह आपको हमारा सेम हैंडल मिलेगा, @successnidra। और अगर आपकी कोई भी क्वारी है या कोई भी सजेशन है हमें लेक्चर के रिगार्डिंग, आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं। हमारी जो मेल आईडी है successnidra@gmail.com। आपके जो सजेशंस होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देर ना शुरू करते हैं, हमारा करते हैं आज का लेक्चर शुरू इन्फ्लेशन के बारे में। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन लेते हैं। इन्फ्लेशन होता क्या है? अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें जनरल टर्म में, एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो जो जनरल राइज इन प्राइस यानी कि जो किसी भी कमोडिटी है, मान लीजिए कि फूड है, ठीक है, या कोई भी एक्स प्रोडक्ट है, इसके जो प्राइस है वो राइज करेंगे, इसके जो प्राइस बढ़ेंगे, यानी कि 10 रुपये प्राइस है, यानी कि इसके प्राइस 10 से अगर 11 रुपये हो गए या 12 रुपये हो गए, यानी कि जो चीज़ है महंगी हो गई, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, जब हमारी कमोडिटी जो प्राइस है वो राइज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन होता है, इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको मापते कैसे हैं? बेसिकली दो इंडेक्स होते हैं इंडिया के अंदर इसके। एक आता है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक आपका होता है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI पे, तो यहाँ पे हम इन्फ्लेशन को देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर लेवल है, यानी कि जो जहाँ पे जब हमारा प्रोडक्शन हो रहा है सामान किसी भी चीज़ का, वहाँ पे उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि प्रोड्यूसर के लेवल पे हम देखते हैं कि कितनी महंगाई हो रही है, कितनी वैल्यू की, कितनी भी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ी है। और अगर हम CPI बोलते हैं तो CPI में हम बोलते हैं कंज्यूमर लेवल, यानी कि जब जो वो सामान है, यानी जो वो सामान है वो मार्केट में, यानी कि फाइनल सेलिंग के लिए जब कंज्यूमर के लिए सामान आता है, तो वहाँ पे उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी इंक्रीज हो गई है। अगर हम बात करते हैं WPI में, तो यहाँ पे सर्विस कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसका प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन होने के बाद वो फैक्ट्री में रख दिया गया है फॉर सेल। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो यहाँ पे सर्विस कॉस्ट भी जो है आपकी इंक्लूड हो जाती है। तो ये होते हैं आपके दो मेजरमेंट, एक आपका WPI, एक आपका CPI। WPI हम इन्फ्लेशन को नापेंगे प्रोड्यूसर लेवल पे, और जो आपका CPI है इसमें नापेंगे हम कंज्यूमर लेवल पे, यानी कि जो फाइनल सेलिंग के लिए जब चीज़ें आती हैं। अगर हम बात करें रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में, कि जो हमारा इन्फ्लेशन है उसका रेट कैसे, कि 5% बढ़ा है या 6% हुआ है या 7% हुआ है, इसको हम कैसे देखते हैं 10% हुआ है। सबसे पहले प्राइस ऑफ एक्स ईयर, प्राइस ऑफ एक्स माइनस प्राइस ऑफ एक्स माइनस वन ईयर्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ एक्स माइनस वन ईयर इंटू 100, यानी कि हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर हम बात करें 2022 के बारे में, 2022 में अगर किसी जो चीज़ है उसका प्राइस है 11 रुपये, वो 2021 में उसका जो प्राइस था वो था 10 रुपये, तो सबसे पहले जो इन दोनों का हम अंतर देखेंगे, यानी कि 1 रुपये का अंतर आ गया, वो इसकी डिवाइड में हम क्या करेंगे, मतलब अभी इसकी जो लास्ट ईयर है, यानी कि 10 रुपये के मुकाबले 11 रुपये, यानी कि 1 रुपये की वृद्धि हो गई, यानी कि डिवाइड बाई 10 और इंटू 100, यानी कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कितना आ गया, हमारा 10% निकल के आ गया, यानी कि जो हमारे इस साल में प्राइस हो गए उसमें से हम लास्ट ईयर के प्राइस को माइनस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे लास्ट ईयर के प्राइस से और इंटू हम 100 करें, यानी जैसे हम सिंपल एक परसेंटेज का जो एक फॉर्मूला होता है वो हम यूज करते हैं, तो ये हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालने का भी फॉर्मूला होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो इन्फ्लेशन होता है वो होता क्या है, व्हाई डज इन्फ्लेशन ओकर्स, ये तीन तरीके से मेनली इन्फ्लेशन होता है। एक आपका होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा आपका होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और थर्ड होगा आपका बुल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, पहला आपका डिमांड पुल, दूसरा कॉस्ट पुश, और तीसरा आपका होगा बुल्ट इन इन्फ्लेशन। एक सेकंड इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है वो क्या होता है, जब हमारे जो डिमांड और सप्लाई है वो मैच नहीं कर पाते, यानी कि उनके अंदर वेरिएशन आ जाते हैं, यानी कि जो आपकी डिमांड होगी, डिमांड आपकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि मांग ज़्यादा है और सप्लाई हमारी कम है, तो उसमें जो हमारे देखिए डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई उतनी है नहीं, जब ये डिमांड बढ़ती है तो हमारी जो प्राइस है वो हाइक करते हैं, यानी कि डिमांड बढ़ने के कारण जो प्राइस हाइक होता है उसको बोलते हैं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी कि मार्केट में तो है 10 चीज़ें, वो इसको खरीदने के लिए हैं 12 लोग, ठीक है, तो यानी कि
चीज़ें कम है, खरीदने वाले ज़्यादा है। तो यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अधिक पैसा देके उसको खरीदने के लिए रेडी हो जाएगी, यानी कि जो डिमांड है उसने इसका प्राइस का इंक्रीज किया है किसी भी कमोडिटीज का। तो उसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब इसको हम टैकल कैसे करते हैं, हमको मेनली क्या करते हैं, जो डिमांड है उसको हम कट कर देते हैं। डिमांड का एक तो तरीका होगा, डिमांड को कट करेंगे। डिमांड को कट कैसे करेंगे कि जो लोगों की परचेजिंग पावर है उसको हम कम कर दें, यानी कि हमने जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया, यानी कि या फिर जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है उसको हमने कम कर दिया। टैक्स बढ़ा के यानी कि मान लीजिए कि किसी इंसान की इनकम है 100 रुपये और उस पर वो टैक्स देता है आपका 10%, यानी कि उसकी इनकम कितनी हो गई 90 रुपये, यानी कि अब इसकी परचेजिंग पावर कितनी है कि 90 रुपये की वस्तु ये खरीद सकता है। लेकिन अब क्या करेंगे, हमने जो टैक्स है वो हमने इंक्रीज करके कर दिया यहाँ पे 15%। तो अब इसके पास में जो इसकी इफेक्टिव इनकम रहेगी, रियल इनकम कितनी होगी, 15 रुपये टैक्स देने के बाद 50 रुपये, यानी कि हमने इसकी जो परचेजिंग पावर है वो हमने कम कर दी, इन टैक्स को बढ़ा दिया। या फिर हमने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है उनको हमने कम कर दिया, यानी कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट किसी चीज़ पर खर्च कर रही है, कोई प्रोग्राम चला रही है, उन पर हमने जो हमारे होने वाले खर्चे थे उनको हमने कम कर दिया, तो उससे भी हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। या फिर एक तो हमने यहाँ की डिमांड कम कर दिया, या दूसरा हमने सप्लाई बढ़ा दी। सप्लाई कैसे बढ़ाएंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है एक लेवल तक हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर उससे भी काम नहीं चल रहा है तो हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें हैं, जो भी कमोडिटीज है, उनको हम इम्पोर्ट करना शुरू कर देते हैं दूसरे देश से या फिर दूसरे स्टेट से। मान चलिए कि जो किसी भी मतलब कोई भी चीज़ है उसके प्राइस बढ़ रहे हैं यूपी के अंदर, क्योंकि यूपी के अंदर उसकी डिमांड ज़्यादा है और उसकी जो सप्लाई उतनी है नहीं, तो हमने देखा कि यार एमपी में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो एमपी से हमने इसमें भेज दिया यहाँ से। ये तो हो गया स्टेट लेवल पर। अगर हम बात करें कंट्री टू कंट्री भी होता है, अगर इंडिया के अंदर किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है, अपनी सप्लाई नहीं है, तो हम यूएस से या फिर यूके से या यानी किसी भी अदर कंट्री से हम चीज़ों को इंपोर्ट करके हम जो सप्लाई है उसको हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्रीज, यानी कि जो हमारे लोन पर मिलने वाले इंटरेस्ट होते हैं उनको भी हम बढ़ा सकते हैं। लोन पर इंटरेस्ट इंक्रीज होने से क्या होगा, मान चलिए कि अभी हमारे जो लोन पर इंटरेस्ट है 100 रुपये, तो इस पर हमको 10% का हमारा एनुअली इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा लोग लोन लेंगे, लेकिन अगर हम इस इंटरेस्ट रेट को हम 15% कर दें, यानी कि एक साल बाद इसको यहाँ पे 110 रुपये दे रहे थे, यहाँ पे हमको 115 रुपये बैंक को पे करने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो कम लोग हैं, कम लोग लोन लेंगे, और लोन कम लोग लेंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो वहाँ से भी हम जो है डिमांड को हम कट कर सकते हैं, यानी कि परचेजिंग पावर को कम कर सकते हैं। कम लोग लोन लेंगे यानी कि लोगों के हाथ में कम पैसा होगा। या फिर हम वेज रिवीजन करके भी, यानी कि जो लोगों की जो इनकम है उसको हम, उनकी जो सैलरी वगैरह है उसमें हम रिवीजन करके भी इसको हम कर सकते हैं। तो आपका हो गया है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब हम बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, यानी कि जो वहाँ पे हमने देखा डिमांड की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि जो एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन इनपुट कॉस्ट, यानी कोई भी अगर प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट है, इसके जो बनाने की कीमत है उसमें खर्चा आ जाए, यानी कि ये तो इनकी जो बनाने की कीमत है उसका जो खर्चा है वो बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी कि जो इसको बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी इंक्रीज हुई है, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश। और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज कैसे होती है, या तो जो वहाँ पे लोग होंगे, जो वहाँ पे वर्कर्स होंगे, वो अपनी हाई वेज की डिमांड करेंगे, अगर वो ज़्यादा इनकम की डिमांड करेंगे तो उस केस में उसकी वैल्यू बढ़ेगी, या फिर जो हमारे रॉ मटेरियल है उनकी कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो मतलब किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो, जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है अगर वो इंक्रीज होगी तो उसको बोलते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको टैकल करने क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ट्रेड यूनियंस होती हैं या फिर आपकी जो एम्प्लॉय यूनियंस वगैरह होती हैं, उनकी जो पावर है उनको हम गवर्नमेंट कम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ट्रेड यूनियन की पावर करने से, कम करने से क्या मतलब है कि अगर जो यूनियंस है, यूनियंस मेनली काम करती है आपके एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, और इनका एक बेसिक मुद्दा रहता है कि हमारी वेज बढ़ाओ, यानी कि कर्मचारी की वेज बढ़ाने पे कम ये लगातार फोकस करते रहते हैं, और वेज बढ़ेगी तो यानी कि उसकी जो इनपुट कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो भी बढ़ेगी। तो उस केस में जो है इनकी अगर हम जो मोनोपोली है उसको हम कम कर देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो वेज रिविजन है उसको लेकर इतना प्रेशर गवर्नमेंट पे नहीं आता है, या फैक्ट्री वगैरह पे, या फिर कोई प्रोडक्शन यूनिट है उस पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है, तो उस पे भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आप रिड्यूस एक्साइज ड्यूटी या फिर रिड्यूस कस्टम ड्यूटी, यानी कि जो एक्साइज या फिर कस्टम ड्यूटी लगती है, एक्साइज कस्टम ड्यूटी के अंदर मान चलिए कि हम कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मान चलिए कि एक चीज़ है 100 रुपये की और इस पर एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी लग रही है आपकी टोटल 20%, तो इसका प्राइस कितना हो गया 120 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस जो एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी को 10% या फिर 15% कर दे, उसका इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 110 से 115 रुपये के बीच में, तो कहीं ना कहीं हमने गवर्नमेंट ने इसकी कॉस्ट को कम कर दिया, यानी कि हम जो एक्साइज ड्यूटी है या फिर कस्टम ड्यूटी है उसको भी कम कर सकते हैं। या फिर सिंपल सी बात है कि रिवेज रिविजन कर दें हम लोगों के हाथ में, तो उतना पैसा ना जाने।
मतलब वेज रिवीजन करेंगे तो यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट अपने आप में कम हो जाएगी लोगों की, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर किसी भी कंपनी ने वेज कम कर दिए हैं तो इसको बोलते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि जो इनपुट कॉस्ट के बढ़ने से इन्फ्लेशन आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन। एक आता है बुल्ट इन इन्फ्लेशन, ये भी मेनली वही है, ओकर ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ फॉर वेजेज बाय द वर्कर्स विच रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन यूनिट ऑफ गुड्स। बुल्ट इन का मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो हाई वेज की डिमांड करते हैं, हाई वेज की डिमांड करेंगे तो यानी कि जो हाई वेज अगर उनको हाई सैलरी मिल जाएगी तो उनके हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो वो क्या करेंगे, एक तो आपकी कॉस्ट पुश हो जाएगा यानी कि उसकी बनानी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और दूसरा लोगों के हाथ में अगर ज़्यादा पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है डिमांड भी किसी भी वस्तु की बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई से वो मैच नहीं करेगी, सप्लाई से मैच नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो है इन्फ्लेशन वो इंक्रीज होता है। सेकेंड चीज़ ये होगी बुल्ट इन इन्फ्लेशन के बारे में, यानी कि जब लोगों की वेज के बढ़ने से, वेज से बढ़ने से चाहे वो मतलब आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो या फिर आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो, कोई भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको हम बोल सकते हैं बुल्ट इन इन्फ्लेशन। एंड अब बात करते हैं कि जो इन्फ्लेशन होते हैं उसके इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं, किस सेक्टर में क्या इफेक्ट उसका हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें क्रेडिटर और डेबिटर, क्रेडिटर क्या होते हैं कि यानी क्रेडिटर होते हैं वो लोग, क्रेडिटर होते हैं वो लोग जो पैसे को लैंड करते हैं, इसको हम बोलते हैं यानी कि लैंडर भी हम इसको बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें डेबिटर के बारे में, जो डेबिटर का मतलब यानी कि जैसे कर्जदार जिसने पैसा लिया है, क्रेडिटर एंड डेबिटर इन पे क्या जो है फर्क पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन राइज, यानी कि अगर जो इन्फ्लेशन राइज होता है तो उसमें क्या होता है कि जो लैंडर है यानी कि जिसने पैसा दिया है वो सफ़र करेगा, और जो बोरोवर है जिसने पैसा लिया है वो बेनिफिट करेगा। इसको मैं देख लेता हूँ, इन्फ्लेशन राइज, अगर हमारा जो इन्फ्लेशन है वो पॉजिटिव में जाएगा तो क्या होगा कि हमारे जो पैसा है, रुपए है, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर रुपए की वैल्यू कम होगी, मान लीजिए कि जो लैंडर है इसने जो है 100 रुपये हमारी किसी भी इंसान को उधार दिए थे, तो उस समय जो 100 रुपये की पावर थी वो थी 100 रुपये के इक्विवेलेंट। लेकिन अब जो है इन्फ्लेशन बढ़ गया है, यानी कि जो 100 रुपये में पहले हम जो चीज़ 100 रुपये मान के लिए कि हम कोई एक्स सामान हम खरीद पाते थे, यानी कि एक्स केजी हम सामान खरीद पाते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया, अब क्या है कि हम 100 रुपये में हम खरीद पा रहे हैं एक्स माइनस में 1 केजी सामान, यानी कि पहले से कम सामान खरीद पा रहे हैं, यानी कि जो हमारी पैसे की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गई। तो जितना रुपये हमारे लैंडर ने उसको दिए थे, नॉमिनल वैल्यू तो उसकी वही रहेगी, 100 रुपये इसने दिए हैं तो 100 रुपये और या फिर इस पर जो आपको क्या बोलते हैं इंटरेस्ट वगैरह देना वो तो वही रहेगा, लेकिन जो बोरोवर्स हैं, बोरोवर्स को अगर हम रियल टाइम मनी की बात करें तो उस हिसाब से हमको जो बोरोवर है उसको कम पैसा देना पड़ेगा, यानी कि जो रियल वैल्यू होगी पैसे की जितना उसने लिया था उतना उसको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसे की वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है। तो इसलिए जो लैंडर है वो सफर करते हैं और जो बोरोवर है वो बेनिफिट करते हैं। और अगर इसका उल्टा हो जाता है कि जो इन्फ्लेशन है वो फॉल हो जाता है, फॉल का मतलब यानी कि पहले 100 रुपये में एक्स किलो वस्तु आ रही थी और अभी क्या है कि एक्स प्लस में 1 केजी आ रही है, यानी कि अभी है जो पैसे की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हुआ है रुपये हमारा, तो उस केस में क्या होगा जो हमारे लैंडर हैं वो बेनिफिट करेंगे, जो बोरोवर है वो आपके सफर करेंगे, इसमें इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्रेडिटर और डेबिटर पे। अगर हम बात करते हैं डिमांड की, डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है इसका, जैसे आपने देखा कि जो जब इन्फ्लेशन होता है तो डिमांड आपकी बढ़ जाती है, डिमांड आपकी बढ़ जाएगी तो आपकी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी और आपकी जो हाई परचेजिंग पावर लोगों की हो जाती है, क्योंकि डिमांड क्यों कब बढ़ेगी, जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो यानी कि आपकी जो है डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और जो आपकी सप्लाई है उतनी नहीं होती, यानी कि इन्फ्लेशन का मेन रीज़न एक ये भी है कि शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो उसमें आपकी जो है डिमांड बढ़ जाती है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म में अगर डिमांड ज़्यादा हो गई है तो उसमें क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है हमारा, अगर डिमांड ज़्यादा है तो जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, कोई भी कंपनी होगी, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जो प्रोडक्शन बढ़ाएगी प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, उसको जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होता है इन शॉर्ट टर्म। अगर हम बात करें इनकम के बारे में, इनकम अगर हायर इन्फ्लेशन होता है, यानी कि जो इनकम मतलब जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन आपका हायर होगा उतनी ज़्यादा है जो नॉमिनल इनकम वो बढ़ेगी, लेकिन जो रियल इनकम है वो आपकी सेम रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉमिनल इनकम और रियल इनकम एक बार देख लेते हैं कि जो नॉमिनल इनकम क्या है, कि जो पैसे यानी कि पहले 100 रुपये आ रहे थे और अभी इसके पास में 110 रुपये आ रहे हैं, क्योंकि जो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया है
इस वजह से यानी कि चीज़ें की चीज़ों की जो है वो दाम बढ़े हैं, यानी कि पहले जो चीज़ 100 रुपये की बेच रही थी वो 110 रुपये, अगर कोई ये शॉप कीपर है तो पहले कोई चीज़ अगर 100 रुपये की बेच रहा था वो 110 रुपये की बेच रहा है, तो यानी कि जो इसका है इसकी जो नॉमिनल इनकम है वो बढ़े हैं। लेकिन पहले क्या था कि पहले 100 रुपये में एक्स के जी कोई सामान खरीद पाता था, लेकिन अभी ये एक्स माइनस 1 के जी खरीद पाता है क्योंकि वो महंगाई बढ़ गई है, लेकिन जो उसकी रियल इनकम है वो उसकी सेम में रही है। यानी कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ नॉमिनल इनकम तो उनकी बढ़ रही है, लेकिन जो उनकी रियल इनकम है वो सेम है, यानी कि जो उनके पास में परचेजिंग पावर है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता, यानी परचेजिंग पावर सेम ही रहती है, भले ही उनके पास में अब पहले 100 रुपये हो अब 110 रुपये, लेकिन जो पहले के 100 रुपये और अब के 110 रुपये की जो परचेजिंग पावर है वो आज की डेट में भी सेम ही है। उसको बोलते हैं हम उसकी रियल इनकम और नॉमिनल इनकम, यानी कि रियल इनकम उनकी नॉमिनल इनकम बढ़ जाएगी लेकिन आपकी जो रियल इनकम है वो आपकी बिल्कुल सेम रहेगी। सेविंग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमेशा सेविंग के ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी आपसे पूछ लिया कि जो आपका इन्फ्लेशन है उसका सेविंग के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, मान लीजिए कि आपने अकाउंट में आपने 100 रुपये रखा है, ठीक है, 100 रुपये में आप एक्स के जी कोई सामान खरीद पाते हैं, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया कि जो प्राइस है वो हाइक कर गए, तो अब क्या करेंगे आप 100 रुपये में एक्स माइनस 1 के जी सामान खरीद पाएंगे। आपने इस सेविंग को और दिन होल्ड कर रखा, फिर क्या हो गया कि इन्फ्लेशन और हाई हो गया, आप एक्स माइनस 2 के जी सामान खरीद पाएंगे, फिर आप एक्स माइनस 3 के जी सामान, यानी कि जो आपकी जो रियल वैल्यू है मनी की आपके पास में है तो 100 ही रुपये आपके अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं, ये कम नहीं हुए, लेकिन जो आपकी उसकी रियल वैल्यू है जितना सामान आप पहले खरीद पाते थे उतना आप नहीं खरीद पाएंगे, यानी कि उसकी जो रियल वैल्यू है उसकी जो पैसे की परचेजिंग पावर है आपके पास में वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि जो मतलब मैक्सिमम लोग होते हैं वो अपने पैसे को अपने पास नहीं रखते, वो बैंक में रखते हैं, और बैंक में रखने का मेनली क्या है कि जो बैंक से हमको इंटरेस्ट मिलता है ना 7 या 8%, सॉरी 4 से 5%, 3% जो आपको पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो आपका इन्फ्लेशन होता है उसको टैकल करने के लिए आपको मिलता है, क्योंकि जो मोस्टली इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन की रेंज होती है वो 4 ± 2 रहते हैं, यानी कि 2% से 6% के बीच में वैरी करते हैं, और इतना आपको बैंक आपको ब्याज दे देता है, तो इसलिए आपका जो पैसा है उसकी जो रियल वैल्यू है कम नहीं रखते, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं अपने पैसे को अपने पास में रखें बैंक में रखना, ताकि वो जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है उसको कम किया जा सके। और अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की बात, जो लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो उस पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर पे हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, कि लोग क्या करते हैं कि जो इन्फ्लेशन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कीमतों के जो प्राइस है उसको जो बढ़े हैं उसको उनके जो बजट है उस पर कोई भी ज़्यादा इंपैक्ट ना पड़े, तो इसलिए जो अपना कंजम्पशन है वो अपना कट कर देते हैं, तो जो एक्सपेंडिचर है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता है। टैक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि जो हमेशा जब भी इन्फ्लेशन पड़ेगा तो आपके जो टैक्स पेयर्स है वो हमेशा आपके सफ़र करेंगे। सफ़र क्यों करेंगे आपका, देखिए अगर हम बात करें कोई भी शॉपकीपर है, अगर हम किसी भी दुकानदार की बात करें उसकी जो इनकम है उसकी 100 रुपये की इनकम होती है और इस पर वो टैक्स देता है, मान के चलिए कि वो आपका एक राउंड कर लेते हैं 10% टैक्स देता है, तो इफेक्टिव इनकम कितनी पड़ेगी 10 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें कि इफेक्टिव इनकम इसकी कितनी हो जाएगी 90 रुपये। अब जो है इसके जो प्राइस है 90 रुपये, यानी कि यहाँ पे दे रहा है 10 रुपये टैक्स, और अगर यहाँ पे जो कम्यूनिटी है उसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो इसकी इनकम माने चलिए कि 110 रुपये इसकी इनकम होगी, यानी कि एक्स सामान इसके इसके पास में है तो पहले 100 रुपये का बेच रहा था, इस पर 10 रुपये टैक्स दे रहा था, लेकिन अब इस सामान की कीमत कितनी होगी 110 रुपये, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे टैक्स के रूप में कितने रुपए देगा, यहाँ पे देगा आपका 11 रुपये, यानी कि कहीं ना कहीं एक तो इसको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा और टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि एक तो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है और दूसरे इसकी जो रियल वैल्यू है पैसे की वो भी कम हो गई है, तो यानी कि जो आपका टैक्स पेयर है वो सफर करते हैं, क्योंकि आपके जो डायरेक्ट वो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि इनकम टैक्स की हम बात करें वो भी आपका बढ़ जाता है, और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स भी आपका बढ़ जाता है, मान लीजिए अगर हम बात करें GST की, कोई 100 रुपये की वस्तु है उस पर हमारा जो GST लगता है वो लगता है मान लीजिए कि वो आती है आपके 8% के स्लैब में, ठीक है, 8% के स्लैब में आती है, तो उसको कितना रुपये देना पड़ रहा है, उसको 8 रुपये देना पड़ रहा है, लेकिन अगर इसका प्राइस हो जाए 110 रुपये, तो अब इसको कितना रुपये देना पड़ेगा, यानी कि 8.8 रुपये, यानी कि 0.80 पैसे का इसको कहीं ना कहीं ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो टैक्स पेयर हमेशा इससे सफ़र करते हैं इन्फ्लेशन से। अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें, एक्सचेंज रेट में सिंपल सी बात है आपकी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट करते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, यानी कि आपकी जो करेंसी की परचेजिंग पावर है वो आपकी कम होती है, इसके बारे में अभी आपको बता चुका हूं, यानी कि जैसे आपकी कोई एक्स वस्तु है पहले 100 रुपये की आ रही थी, अब मतलब एक्स कोई वस्तु है पहले 100 की आ रही थी अब 110 रुपये की आ रही है, यानी कि वस्तु का एक्स ही है लेकिन उसके जो प्राइस है वो बढ़ गया, यानी कि कहीं ना कहीं पैसे की वैल्यू हमारी कम हो गई है, यानी कि जो हमारी करेंसी है वो डेप्रिशिएट करती है। एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, एक्सपोर्ट में क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज बट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट डिक्रीज, यानी कि जो एक्सपोर्ट है वो आपके बेनिफिट करते हैं क्योंकि
जो आपकी वॉल्यूम है, यानी कि जो मतलब वॉल्यूम, मतलब अगर हम क्वांटिटी के रूप में बात करें तो क्वांटिटी है उसमें हमारे जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होते हैं, और एक्सपोर्ट हमारे इंक्रीज हो गए यानी कि हमारे पास में जो फॉरेन करेंसी है वो हमारी फॉरेन करेंसी हमारे पास में आती है, उसका जो हमारा भंडार है वो बढ़ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जब इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आ गया थे 1990 में और 1991 में, तो उसमें क्या किया था, जो पैसे की वैल्यू है उसको हमारे कम किया था। पैसे की वैल्यू कम करने के पीछे मेन रीजन क्या था, कि हमारा जो पैसा था उसकी वैल्यू हमने कम किया था, उसको डिप्रिशिएट किया था। इसका मेन रीजन था कि जो हमारे एक्सपोर्ट है हमारे बढ़ सके, क्योंकि उस टाइम में हमारे पास में जो फॉरेन करेंसी थी उसका भंडार उतना ज़्यादा नहीं रह गया था। हमारा बीओपी क्राइसिस यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमारे यहाँ पे क्राइसिस आ गया था, कि हमारे पास में इतना पैसा नहीं था कि हम जो कम्योडिटी है बाहर से इम्पोर्ट कर सके, उतने पास में हमारे पास में फॉरेन फंड नहीं थे। तो इसलिए हमने क्या था कि पैसे को डिप्रिशिएट किया था, और डिप्रिशिएट करने से क्या होता, हमारे पास में हमारे एक्सपोर्ट बढ़े थे, उसके पास में उससे हमारे पास में जो है फॉरेन करेंसी हमारे पास में आई थी। तो यानी कि जो आपके एक्सपोर्ट है वो हमेशा बेनिफिट करते हैं। अगर हम इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट हमारी डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होने का मेन कारण क्या है कि हमारी जो वैल्यू है पैसे की वो कम हो जाती है। यानी कि अगर हमारे पास में 100 रुपये हमको कोई चीज़ खरीदने, हम पहले एक्स चीज़ खरीद रहे थे, हमारी जो पैसे की वैल्यू कम हो गई, तो अब 100 रुपये में हम एक्स माइनस वन चीज़ खरीद, वन के जी जो है वो सामान खरीद पाएंगे। तो इसलिए जो इंपोर्ट पे हमारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे जो इंपोर्ट है वो कम होते हैं। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इन शॉर्ट रन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ड्यू टू हायर डिमांड दैट नीड्स हायर प्रोडक्शन बट इन लॉन्ग रन न्यूट्रलाइज। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म के अंदर क्योंकि जो इंक्रीज होता है, जो एक तरह से आपकी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, डिमांड इंक्रीज होगी तो जो भी प्रोडक्शन यूनिट होगी उसके अंदर उसको अपना जो प्रोडक्शन है वो आपका इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे होगा, उसको जो मतलब अपने पास में अधिक लोगों को रखना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट टर्म तो क्या होगा, इसका इम्प्लीमेंट जो है कंट्री का वो कम होगा, लेकिन इन लॉन्ग रन, जब अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो उस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो न्यूट्रलाइज रहता है। अगर हम वेजेस की बात करें, जो वेजेस की मेन चीज़ है कि जो नॉमिनल वैल्यू है इंक्रीज होगी, अब जो रियल वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। वो सिंपल सी बात है कि कोई इंसान है उसके पास में एक्स के जी कोई सामान था, वो पहले 100 रुपये का बेच रहा था, अब वो 110 रुपये का बेच रहा है। वैसे तो उसका कहने को 10 रुपये की इनकम बढ़ गई, लेकिन उसकी 110 की जो पावर है परचेजिंग पावर वो पहले के 100 रुपये के बराबर, यानी कि जो रियल इनकम है उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है। आपको कहीं ना कहीं कमी आपको होती मिलेगी, लेकिन जो आपकी नॉमिनल वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें, लॉन्ग रन में ये न्यूट्रल रहता है, कोई ज़्यादा फर्क इन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट रन पे इनके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा क्यों है कि अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें, माने चलिए कि एक आपका कोई शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर है आपका, और मान चलिए कि ये गोलगप्पे बनाता है, एक छोटी बात है, गोलगप्पे बनाता है ये, अब क्या कर रहा है कि 10 रुपये के ये आपको 5 दे रहा है। पता लगा कि इसको यार जो है महंगाई बढ़ गई, तो ये तो है नहीं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा आज जो आटे का दाम ज़्यादा हो गया तो इसने आज ही 10 रुपये 4 दिन शुरू करते, एक दो दिन देखेगा, 2-4 दिन देखेगा, ये अगर प्राइस कंट्रोल में आता है ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, ठीक है भाई प्राइस बढ़ गया क्या करूँ मैं तो अब 10 रुपये के 4 दे पाऊंगा। तो लॉन्ग रन में इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट रन में कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस हाई करेगा उस हिसाब से अपने जो प्राइस है वो बढ़ाते रहते हैं। अगर टैक्स बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, टैक्स सीधा सीधा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स को सीधा सीधा कस्टमर पे ठेप देते हैं, वो कस्टमर को पे करना होता है। तो मेनली इन पर कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बस शॉर्ट टर्म पर इन पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी में मेनली क्या इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि एक होता है इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अगर इन्फ्लेशन अप टू ए पर्टिकुलर रेंज कॉल्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज हेल्दी, यानी कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है, मतलब एक रेंज तक जब इन्फ्लेशन हुआ तो वो हेल्दी माना जाता है इकोनॉमी के लिए, लेकिन जब उससे ज़्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज गवर्नमेंट के द्वारा या फिर उनका जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा डिसाइड कर जाते हैं कि हमको जो इन्फ्लेशन है वो इस रेंज के बीच में रखना है, अगर इतना होता है तो ठीक है हम कंट्रोल कर लेंगे, वो जरूरी भी है हमारी इकोनॉमी के लिए। और जो इंडिया के अंदर ये रेंज है ये आपका 2-6% के बीच में वेरी करता है, जो हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है, यानी कि सिंगल डिजिट आप बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। एंड नेक्स्ट बात करेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग, उसके बारे में हम देख लेते हैं। आपसे डायरेक्ट ये वन लाइनर के फॉर्म में आ जाता है फिर या फिर आपको ऑप्शन देकर पूछ लेंगे लो इन्फ्लेशन क्या होता है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, आपसे सिंपली पूछ ले जाते हैं। तो इनको हम देख लेते हैं, कुछ टर्म्स है, 5-7 टर्म है, ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें कि लो इन्फ्लेशन क्या, अगर आपसे पूछ लीजिए कि लो इन्फ्लेशन क्या होता है, यानी कि जब आपका इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट में रहेगा, यानी कि आपका जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा वो लेस देन 10% रहेगा, यानी कि 1% से 9% के बीच में जब आपका इन्फ्लेशन रहता है तो उसको हम बोलते हैं लो इन्फ्लेशन। अगर हम बात करें गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जब आपका जो इन्फ्लेशन होता है वो डबल या ट्रिपल डिजिट आ जाता है, यानी कि आपका जो इन्फ्लेशन होगा वो 10% से लेकर और आपका
10% से आपका होगा आपका ये ज़्यादा और आपका 1000% से होगा कम, तो उसको बोलते हैं हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अब आप सोचते होंगे यार 1000% ऐसा होता है, हमने तो नहीं सुना, लेकिन हाँ 1970 और 1980 में अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील में जो इन्फ्लेशन के रेट थे वो उसकी रेट थी 50% से 700% के बीच में, ऐसा हो चुका है। तो इसको बोलते हैं हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जब आपकी इन्फ्लेशन की रेट डबल डिजिट, यानी कि 10 को क्या बोलते हैं, 10 डबल डिजिट है और आपका 1000 क्या है, आपका ट्रिपल डिजिट है, यानी कि 10 से आपका 1000 के बीच में आपका जो इन्फ्लेशन अगर होगा उसको बोलेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन। एंड अगर हम बात करें हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होते हैं, यानी कि आपके जो पैसे की वैल्यू है बिल्कुल मतलब एक तरह से खत्म ही हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू रहती ही नहीं है। जब आपका जो इन्फ्लेशन का एनुअल रेट होगा वो कितना होगा, मिलियन एवन ट्रिलियन, यानी कि आपका लाखों 10 लाख ऐसे जो आपका इन्फ्लेशन रेट होगा तो उसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि जरूरत से ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया है। आप सोचेंगे नहीं यार ऐसा थोड़ी होता होगा, मिलियन की इन्फ्लेशन में हमारा जो है वो मिलियन में आ गया, फिर आपका ट्रिलियन में आ गया, ऐसा थोड़ी होता होगा, ऐसा होता है। ऐसा कब, अगर हम 1923 की बात करें, 1923 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो जर्मनी है, जर्मनी के अंदर जो कमोडिटी के प्राइस थे वो 36 बिलियन टाइम बढ़े थे पिछले 2 साल में, यानी कि जो इन्फ्लेशन था देखिए आप कितना, 36 बिलियन टाइम्स। अगर हम 1985 की बात करें, 1985 में बोलोविया में जो एनुअल इन्फ्लेशन था वो 24,000% था पर एनम। अगर हम 1923 की बात करें, यूगोस्लाविया में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 20% पर डे था। अगर हम जिम्बाब्वे की बात करें, जिम्बाब्वे के अंदर 2008 में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 19 बिलियन% पर एनम था, 19 बिलियन। और हम अभी तत्काल की बात करें, अगर हम 2019 की बात करें, तो वेनेजुएला के अंदर जो इन्फ्लेशन था वो 53 मिलियन% पर एनम था। और जो ये सारे आंकड़े लिए गए हैं ये आपके आपके जो इंडियन इकोनॉमी है रमेश सिंह की बुक्स, उससे ये सब आंकड़े हैं जो उठाए गए हैं, उनका जो सोर्स है वो ये है। अब जो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है उसका बढ़ने का कारण क्या होता है, उसका जो रीजन होता है मिलने की, जो वहाँ के लोग होते हैं, जो वहाँ के सिटीजन होते हैं, अपनी करेंसी के अंदर जो है वो अपनी करेंसी के अंदर उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और जो लोग हैं जो वो और जो लोग चूज़ करते हैं या तो फिजिकल एसेट को खरीद रहे हैं, यानी सोना खरीद लेंगे, सोना खरीद के रख लेंगे, चांदी खरीद के रख लेंगे या फिर कोई वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, यानी फिजिकल एसेट में हम हर साल का पैसा लगाते हैं, फिर फॉरेन करेंसी उसको अफोर्ड करना शुरू कर देंगे, या फिर बार्टर सिस्टम पर एक्सचेंज वो शिफ्ट हो जाते हैं। जो बार्टर सिस्टम होता है, बार्टर सिस्टम मेनली क्या होता है, वेट मैं आपको बता देता हूँ, उसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। बार्टर सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए कि बार्टर सिस्टम में होता है कि दो कमोडिटी का एक्सचेंज करना, मान लीजिए कि दो इंसान हैं ए और बी, ठीक है, पैसे की वैल्यू वहाँ पे है नहीं, इसके पास में चावल है, इसके पास में आटा है, ठीक है, तो क्या करेगा भाई, चावल तुम ले लो, मैं तुम उससे आटा लो, यानी कि या फिर इसके पास में मान लीजिए कि इसके पास में आटा है और इसके पास में दाल है, अब ये सिर्फ दाल नहीं कावत खा सकता, ये फिर ये सिर्फ आटा नहीं खा सकता, ये क्या करें भाई, तुम ऐसे आटा ले लो तुम और मैं तुम्हें दाल दे देता हूँ, यानी कि दोनों अपने घर में अपना रोटी सब्जी बना के अच्छे से खाएंगे, यानी कि दो मेनली जो दो लोग हैं वो अपनी कमोडिटी यानी कि जिन जो उनके पास में है उनके बीच में एक्सचेंज करने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम, यानी कि जो ये है ये करेंसी के रूप में अपना जो है व्यापार या फिर चीज़ों को बाई या फिर सेल नहीं करते हैं, बार्टर सिस्टम पे जो है होल्ड करते हैं। फिर फॉरेन करेंसी को होल्ड करने का मतलब क्या होता है कि उनकी करेंसी की जो वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन इसने क्या किया कि भाई मेरी करेंसी का पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने जो है डॉलर बाई करके रख लिया या फिर उन्होंने यूरो बाई करके रख लिया तो या फिर येन बाई करके रख लिया, तो उसमें है कि जो अपनी देश की करेंसी है उसको मार्केट में उसका फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको सेल करना लोग शुरू कर देते हैं, तो उससे आपका हाइपर इन्फ्लेशन की जो है सिचुएशन वो आती है। बोटल नेक इन्फ्लेशन, बोटल नेक इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जो सप्लाई है वो ड्रास्टिकली फैल, सप्लाई फॉल ड्रास्टिकली एंड डिमांड रिमेन सेम ड्यू टू सप्लाई साइड हर्डल्स मिसमैनेजमेंट आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन। अगर हम बोटल नेक इन्फ्लेशन की बात करें, जो आपकी जो सप्लाई है, सप्लाई तो आपकी फॉल कर जाते हैं लेकिन आपकी जो डिमांड है वो उतनी ही रहती है, डिमांड में कोई भी कमी नहीं आती है, और इसको बोलते हैं बोटल नेक। बोटल नेक की हम क्या बात करें कि देखिए अगर एक बोतल की आप शेप बना लीजिए, ठीक है, ये कोई आपकी एक बोतल हो गई, ठीक है, सप्लाई आपकी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, और डिमांड यहाँ पे इतनी है, लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं एक गैप आ गया, यानी कि जो ये सप्लाई है जो जहाँ पे डिमांड है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, यानी कहीं कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, यहाँ पे हर्डल आ गया। अगर हम बात करें जैसे हम कोविड की बात करें, कोविड के अंदर क्या हुआ था, आपने भी देखा होगा कि
समान थे लोगों के पास में, मतलब इंडिया के अंदर इतना समान था कि ठीक है वो कि लोगों को नीड को पुल कर सके, लेकिन जो है वो लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के अंदर उसकी सप्लाई कहीं ना कहीं कट हो गई, तो यानी कि जिन लोगों की दुकान में सामान पड़ा हुआ था उनके प्राइस एकदम से बढ़ गए, यानी कि डिमांड तो सेम है, लोगों ने अपने पास में अपना सामान को होल्ड करना शुरू कर दिया, यानी कि जो मैगी आपको 10 रुपये की मिल रही थी आपको 15 से 20 रुपये की मिलनी शुरू हो गई, यानी कहीं ना कहीं सप्लाई आपकी सप्लाई जो चैन है वो कहीं ना कहीं हीट होती है, तो उसको बोलते हैं बोटल नेक इन्फ्लेशन, यानी कि ये वाला जो शेप आती है बोतल की शेप में, बोतल की जो गर्दन होती है उसकी शेप में आती है, यानी कि हमारे पास सप्लाई भी है और डिमांड भी है, लेकिन उसको हम जहाँ पे डिमांड है वहाँ तक सप्लाई को नहीं पहुँच पा रहे हैं, यानी कि सप्लाई उसको हम मतलब स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर है जो हमारी सप्लाई चेन की उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, इसको हम इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी हम इसको बोलते हैं। बात करें कोर इन्फ्लेशन के बारे में, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस राइज इन ऑल कमोडिटीज एक्सक्लूडिंग एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स, यानी कि जो प्राइस राइज है वो सभी जो कमोडिटी है सभी सामान के बढ़ेंगे, लेकिन आपके एनर्जी और फूड आर्टिकल्स के आपके सामान नहीं बढ़ेंगे, उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। लेकिन इसको इंडिया के अंदर यूज किया गया था 2000-2001 में, लेकिन हमारी जो इंडिया है उसको जो इन्फ्लेशन एनालाइज हम करते हैं उसको ये सूट नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर मोस्टली जो प्राइस डिपेंड करते हैं वो जो फूड आर्टिकल्स है उनके प्राइस से हम इन्फ्लेशन को, यानी कि जो लोगों के लिए इसेंशियल चीज़ें यानी कि दाल रोटी कपड़ा मकान, जो अगर उन चीज़ों की बात करें जो फूड आइटम है यानी कि दाल और रोटी, जब इसके प्राइस बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन को देखा जाता है, लोग मानते हैं कि यहाँ महंगाई बढ़ रही है, बाकी जो लग्जरियस लाइफ है मोस्टली इंडिया के अंदर लोग नहीं जीते हैं क्योंकि मिडिल क्लास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे ये हमारी इसको सूट नहीं करा, इसको हमने छोड़ दिया, लेकिन 2015 और 2016 में हमने एक नए टर्म यूज किया था कोर इन्फ्लेशन, हमें इसको बोलने लगे कोर इन्फ्लेशन, और इसके अंदर क्या करते हैं हम इसमें फूड फ्यूल लाइट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, यानी कि जो इसेंशियल चीज़ें आपकी फूड होगी फ्यूल होगी लाइट ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, इनको हम छोड़ देते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि कोर इन्फ्लेशन के अंदर आपकी सिर्फ एनर्जी और फूड आर्टिकल को एक्सक्लूड किया गया था, लेकिन आपकी जो कोर इन्फ्लेशन है उसके अंदर आपकी फूड फ्यूल लाइट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को उसमें एक्सक्लूड किया गया है, उसको इसमें छोड़ा गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, रिफ्लेशन क्या होता है, ए सिचुएशन ब्रॉट बाई गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज डिमांड फॉर हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाई इंक्रीजिंग गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर टैक्स कट इंटरेस्ट रेट कट्स इंक्रीजिंग इन वेज एंड प्रिंटेड मनी, दिस इज डन टू इंक्रीज डिमांड व्हेन इकोनॉमी इज क्रॉसिंग थ्रू रिसेशन लो इन्फ्लेशन हाई एम्प्लॉयमेंट एंड लो डिमांड। देखिए रिफ्लेशन क्या होता है कि अगर जब कंट्री की जो एक इकोनॉमी है रिसेशन के दौर से जा रही है, यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है उसके कारण से जो आपकी डिमांड है वो डिमांड भी आपकी कम हुई है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो जो इसको बोलते हैं रिसेशन, एक तरह से मंदी की स्थिति हम इसको बोल सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है किसी भी इकोनॉमी की, कोई भी इकोनॉमी रिसेशन के दौर से गुजर रही है, यानी कि इन्फ्लेशन वहाँ पर कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और आपकी जो डिमांड है वो आपकी बढ़ती है, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट डिमांड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको कम करने की कोशिश करते हैं, और डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करती है कि जो है गवर्नमेंट अपने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा देती है, यानी कि लोगों के हाथ में अधिक पैसा, उनको कुछ सब्सिडीज वगैरह दे देगी, या फिर आपको डायरेक्ट मनी ट्रांसफर लोगों के हाथ में डायरेक्ट खाते में डायरेक्ट पैसा भेज देती है, जैसे आपको किसान सम्मान निधि वगैरह होता है वो भेज देती है, या जो आपकी टैक्स है टैक्स जो रेट है वो कम कर देती है, यानी कि जो अगर 100 रुपये किसी की इनकम है वो 10 रुपये टैक्स देता है, कोई बात नहीं 5 रुपये आप दे दो तो उसके पास में 95 रुपये इसके पास में हो जाएंगे, यानी कि इसकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट आपकी कम करते हैं, यानी कि अगर 100 रुपये किसी को उधार लेने हैं तो पहले 10% इंटरेस्ट रेट था तो अब क्या कर दिया कि इसको 8% कर दिया, तो यानी कि ज़्यादा लोग लोन लें, जो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा हो आप लोगों की जो है वेज बढ़ा देंगे, लोगों की जो है मतलब जो पैसा है उसको प्रिंट करना शुरू कर देते हैं, मतलब मेनली क्या है कि रिफ्लेशन वो स्थिति है जब कंट्री को रिसेशन से निकालने के लिए, मतलब इकोनॉमी को रिसेशन से निकालने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं, कि यानी कि जो करेंसी का फ्लो मार्केट में बढ़ता है उसको बोलते हैं रिसेशन, चाहे उसके लिए मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पे प्रयास होता है कि लोगों के हाथ में अधिक से अधिक पैसा हो, जैसे आपने देखा होगा कोविड 19 के बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैकेज अनाउंस किया था, ठीक है, जो मतलब आपने देखा होगा 500-500 रुपये जो मतलब लोग थे उनके खातों में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट भेजे थे, तो वो एक तरह से इसी को हम बोल सकते हैं कि लोगों के हाथ में पैसा गवर्नमेंट ने पहुँचा दिया कि भाई आप सामान खरीदो कोई बात नहीं हम पैसा दे रहे हैं, यानी कि जो एक चैन है सप्लाई चैन वो एक आपकी चलती रहे, जो इकोनॉमी है इकोनॉमी के अंदर पैसा फंसेना, जो कम्युनिटी है जो पैसा है वो लगातार मतलब सर्कुलेशन में रहे, मनी हमेशा सर्कुलेशन में रहे, इसको बोलते हैं रिफ्लेशन। अगर हम स्टैग इन्फ्लेशन की बात करें, यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन होगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा और
लो ग्रोथ होगी, यानी कि आपका इन्फ्लेशन रेट भी हाई है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, और आपकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन। अगर हम बात करें स्कूफ्लेशन, स्कूफ्लेशन क्या होता है कि या तो किसी एक चीज़ के या फिर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज है उसके जो प्राइस बढ़ जाते हैं बाकी सेम रहते हैं। मान चलिए कि अगर हम बात करें कोई एक चीज़ की, अगर हम बात करें मान चलिए कि आटे के प्राइस बढ़ गए हैं बाकी सब ठीक चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, या फिर हम बात करें कि जो ऑयल मेड प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस बढ़ रहे हैं बाकी सब ठीक चल रहा है, किसी भी एक कमोडिटी या फिर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटी है उसके प्राइस अगर बढ़ जाएंगे तो उसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। एंड देन आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ लाइक डू शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो देन आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल हमारे सक्सेस नेत्रा से, इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।